कहते हैं कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ऐसी एक जगह जो बरसात के मौसम में पानी से भर जाती है और बाकी मौसम में सूख जाती है। पूरे भारत में ऐसी बस एक ही अनोखी जगह है, कच्छ। अगले दिन सुबह हमारी पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन थी रोड टू हेवन। ये रोड धोलावीरा हाईवे है जो रोड टू हेवन के नाम से बहुत फेमस है। ये एक ऐसी रोड है जिसकी दोनों तरफ पानी से घिरी हुई है और जहां विंटर्स में फ्लेमिंगोस ब्रीड करने आते हैं। खावड़ा और धोलावीरा को जोड़ने वाली ये 30 किलोमीटर लंबी हाईवे लेक ऑफ कच्छ के बीचों बीच होकर गुजरती है, जिसकी वजह से ये जगह बहुत सुंदर दिखती है और किसी ब्लॉगर ने इस जगह को रोड टू हेवन का नाम दे दिया है। अब हम आ गए धोलावीरा। ये इंडिया की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां हरप्पा और मोहनजोदारो के समय के अवशेष पाए गए हैं। चलिए पहले इसकी म्यूजियम देखने चलते हैं। इस म्यूजियम में एक्सकावेशन के टाइम पे पाई गई बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि टेराकोटा फिगरिंस, बड़े बड़े पॉट्स, ज्वेलरी, खेलने की चीजें और बहुत कुछ। अब चलते हैं एक्सकावेशन साइट देखने। एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम के इस जगह की सबसे यूनिक फीचर है इसकी सोफिस्टिकेटेड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, जो कि बस सन ड्राइड ब्रिक और स्टोन मैसनरी से बनाई गई है। और ये अब तक एक्सकावेट की गई दुनिया की सबसे पुरानी वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है। आप जब यहाँ आएंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि कितने इंटेलिजेंस के साथ यहाँ की सिविलाइजेशन ने ये वाटर कंजर्वेशन सिस्टम बनाया था। 2021 में यूनेस्को ने ओल्ड सिटी ऑफ धोलावीरा को इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था और ये साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल होने वाली इंडिया की पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। वापस लौटते टाइम हम फिर से थोड़ी देर रोड टू हेवन में सनसेट देखने रुक गए। आप बिलीव कर सकते हो कि जिस पे मैं अभी चल रही हूँ वो एक्चुअली नमक है और यही नमक कुछ टाइम पहले पानी थी और अभी सूख के नमक हो गई है। हमने इस नमक के एक छोटे से टुकड़े को उठाकर देखा तो अभी भी उससे पानी टपक रही थी। दिसंबर तक ये पूरी सूख के ठोस हो जाएगी। यहाँ सनसेट इतना सुंदर था कि हम समझ ही नहीं पाए कि इसको अपने कैमरा में कैद कैसे करें। अब तक का ये सबसे खूबसूरत नजारा था। अगले दिन सुबह हमें ले जाया गया एक और ब्यूटीफुल सी सनराइज देखने। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ये कितनी ज्यादा सुंदर थी। आसमान पूरा रेडिश पिंक हो गया था और उसके रिफ्लेक्शन में रण भी इसी रंग से रंग गई थी। सनराइज देख के हम वापस आ गए हमारे टेंट सिटी में और आज शाम तक हम ये पूरी टेंट सिटी एक्सप्लोर करेंगे। ये है यहाँ के लोकल आर्टिजन्स का एग्जीबिशन एरिया। यहाँ आपको कच्छ की सबसे फेमस और यूनिक बुनाई मशरू और खराड़ के कपड़े मिलेंगे। कच्छी ट्रेडिशनल वेयर मिल जाएंगी, शॉल्स, ब्लैंकेट्स और बहुत कुछ मिल जाएंगी। फिर आ गए हम लाइव आर्ट सेक्शन में और ये जो आर्ट आप देख रहे हो इसे बोलते हैं लिप्पन आर्ट, जो कि कच्छ की ट्रेडिशनल आर्ट है। घर की दीवारों पर मिट्टी, धागे और मिरर से सुंदर कला चित्र बनाए जाते हैं जिसे लिप्पन आर्ट कहा जाता है। ये कला 700 से 800 साल पुरानी है। पहले लोग अपनी घरों की दीवारों को सुंदर बनाने के लिए ये बनाते थे और मिरर लगाने का राज ये था
की एक तो ये बहुत सुंदर दिखती है और दूसरी कि पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो सब घर में दिया जलाया करते थे, तो एक दिए की रोशनी से पूरी घर मिरर के रिफ्लेक्शन से रोशन हो जाती थी। अभी हम हैं और एक सेक्शन में जहाँ मिट्टी से बने ज्वेलरीज मिलते हैं, जैसे कि इयररिंग्स, नेक पीस, हेयर क्लिप्स वगैरह। अगर आपको पॉटरी में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ कोई भी मिट्टी का सामान बनाना सीख सकते हो और सूखने के बाद उसे खरीद भी सकते हो। यह है ब्लॉक प्रिंटिंग सेक्शन। इस आर्ट फॉर्म को अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं, जो कि 4000 साल पुरानी आर्ट फॉर्म है और ये कच्छ और सिंध के खत्री कम्युनिटी में आज भी जीवित है। इस आर्ट फॉर्म में बहुत सारे नेचुरल चीज़ों से ये कलर्स बनाई जाती हैं, जैसे कि हीना, हल्दी, रस्ट, जैगरी और बहुत कुछ। आप यहाँ जब विजिट करेंगे ये पूरी कहानी आप विस्तार से सुन सकते हैं और यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, जावेद भाई से मिलके आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम हैं 108 नॉर्थ्स में। यहाँ मोस्टली सारे वुमेन वर्कर्स काम करते हैं जो अपने हाथों से गांठ बांधकर बहुत सारी सुंदर चीज़ें बनाती हैं। ये एरिया है रिजुविनेशन सेंटर, जहाँ आप स्पा मसाज वगैरह करवा सकते हो। उसके बगल में एक बहुत अच्छी कैफ़े भी है जहाँ आप खा पी सकते हो या इंडोर गेम्स जैसे पूल वगैरह भी खेल सकते हो। यहाँ और एक शॉपिंग एरिया भी है जहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, घर सजाने की चीज़ें, हर्बल चीज़ें, शॉल्स, कपड़े वगैरह भी मिलती हैं। शाम में हमारी बस थी गांधीनू गांव के लिए। गांधीनू गांव मतलब गांधी जी का गांव। ये लूड़िया गांव का एक मॉडल विलेज है। 2001 भूज अर्थक्वेक के टाइम जब यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया था, उसके बाद ये गांव रीबिल्ड किया गया था ताकि लोग यहाँ फिर से सस्टेन कर सकें। यहाँ के लोग बहुत सारी सुंदर ट्रेडिशनल चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि झुमके, बालियाँ, नेक पीस, चूड़ियाँ, ट्रेडिशनल डिज़ाइन और कलरफुल मिरर वर्क वाले कपड़े। यहाँ इनके घरों की दीवारों पर आपको लिप्पन आर्ट फॉर्म भी देखने को मिलेगी। हमारी अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन थी काड़ो डूंगर। काड़ो डूंगर मतलब ब्लैक हिल, कच्छ की सबसे हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से आपको पूरे कच्छ की पैनोरामिक व्यू दिखेगी। यहाँ ऊपर तक आप चल के जा सकते हो या फिर ऊंट की सवारी भी ले सकते हो। यहाँ ऊपर कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, अगर आपको वो सब देखना है तो आप 200 रुपए रेंट पर बाइनोक्यूलर्स भी ले सकते हो। काड़ो डूंगर के ऊपर एक 400 साल पुरानी भगवान दत्तात्रेय की मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय जब पृथ्वी पे चल रहे थे वो थोड़ी देर यहाँ रुके थे, जहाँ उन्हें भूखे सियारों का एक झुंड दिखा था और उन्होंने अपना शरीर उन्हें खाने के लिए अर्पण किया। सियार उन्हें खाते गए पर उनकी शरीर पुनर्जीवित होती गई, इसलिए आज तक यहाँ मंदिर के पुजारी शाम के आरती के वक्त सियारों को चावल का प्रसाद चढ़ाते हैं। यह है काड़ो डूंगर व्यू पॉइंट, जहाँ से सॉल्ट डिजर्ट लेक, इंडिया ब्रिज जिसकी दूसरे तरफ पाकिस्तान है, हमारे इंडियन आर्मी का बेस कैंप और हनुमान टेम्पल दिखती है। उसके बाद वहां थोड़ी देर बैठ के हमने एक और खूबसूरत सी सनसेट एंजॉय की। और फिर हम वापस आ गए हमारे टेंट सिटी। यह है एक्टिविटी एरिया जहां पे बुल राइड, हॉट एयर बलून और बहुत सारी और एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं।
स्टार गेजिंग यहाँ एक मोस्ट रिकमेंडेड एक्टिविटी है। यहाँ आपको प्रॉपर गाइड मिलेंगे जो टेलीस्कोप के जरिए आपको स्टार गेजिंग करवाएंगे। बस इसी के साथ हमारी रण उत्सव की 3 दिन की सफर यहीं पे ख़त्म हुई। बहुत सारे मेमोरीज, ट्रेडिशन, कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, सब कुछ अपने दिल में बिठाकर हम वापस चल रही है अपने शहर। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं आपसे एक और सफरनामा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।